दो साल के दौरान दुनिया जान चुकी है कि चीन पीठ में खंजर घोंपना और धमकी देना ही जानता है। लेकिन चीन के पड़ोसी रूस के हालात ऐसे नहीं है। मॉस्को से धमकी के साथ एक्शन भी होता है। अब तो बात तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के टॉप जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी देने के साथ ही अंग्रेजों की फौज को जंग लड़ने के लिए तैयार रहने का फरमान जारी कर दिया। सवाल यह है कि क्या रूस और ब्रिटेन में युद्ध हो सकता है? ब्रिटेन की रूस के रंजिश क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। टैंकों से फार देखा, मिसाइलों से धमाके देखे, यूक्रेन की बर्बादी देखी। चार महीने से दुनिया यूरोप की दहकती दहलीज को देख रही है। कोई नहीं जानता था कि जंग इस कदर होगी। हालात हाथ से निकल चुके होंगे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट सेलेक्ट हो चुका है। ब्रिटेन और रूस आमने सामने हो चुके हैं। ब्रिटेन के टॉप जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। अपने सैनिकों को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। इतना ही नहीं, जनरल पैट्रिक सैंडर्स ने रूस को हराने की कसम खाई है। जॉनसन के जनरल ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में खून की नदियां बहाई हैं। दुनिया की हिफाजत की नींव को पुतिन ने हिला कर रख दिया है। कसम खाई है कि ऐसी सेना बनाएंगे जो रूस को युद्ध में हराएगी, पुतिन को सबक सिखाएगी। सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश जनरल की धमकी का रूस जवाब देगा? क्या रूस और ब्रिटेन में युद्ध हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटिश जनरल की धमकी उस वक्त आई है जब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन दो दिन पहले ही अचानक कीव का दौरा कर लौटे हैं। यूक्रेन से लौटने के बाद बोरिस जॉनसन ने भी यही बात कही जो जनरल ने कहा। सवाल यह है कि क्या इस धमकी को सीरियसली लिया जा सकता है? पैट्रिक सैंडर्स को चार युद्ध का अनुभव है जिसमें इराक, कुसोव और अफगानिस्तान जैसे युद्ध शामिल हैं। ब्रिटिश सेना में रहते हुए इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ जैसे अवार्ड मिले हैं। पैट्रिक सैंडर्स को इसी जून महीने में ब्रिटिश आर्मी की कमान सौंपी गई है। जॉनसन के जनरल की धमकी सीरियस है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका से ज्यादा परेशान अंग्रेजों का मुल्क है। यूक्रेन पर बरसते रूसी बारूद के बीच जॉनसन दो बार बिना बताए ज़ेलेंस्की को उकसाने पहुंच चुके हैं, जिससे रूसियों को भी एहसास हो चुका है कि अगली मिसाइल ब्रिटेन पर ही दागनी होगी। सवाल यह है कि ब्रिटेन और रूस की रंजिश की सबसे बड़ी वजह क्या है? ब्रिटेन क्यों रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? ब्रिटेन और रूस में दुश्मनी इस हद तक हो चुकी है कि बोरिस जॉनसन का बस चले तो मॉस्को पर एटम बम गिरा दें। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए अंग्रेजों का देश ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन पर निशाना साध रहा है, क्योंकि 18 साल पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने ही ब्रिटेन को उसकी हैसियत बताई थी। किस्सा कुछ यूं है। 2006 में लंदन में रूसी जासूस अलेक्जेंडर लिथविनेंको की मौत हो गई थी, लेकिन यह मामूली हत्या नहीं थी। लिथविनेंको को चाय में रेडियो एक्टिव जहर दिया गया था। बाद में ब्रिटेन ने लिथविनेंको की हत्या के आरोपियों के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे रूस ने सिरे से खारिज कर दिया था। तभी से दोनों देश एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं। पिछले साल तो रूस और ब्रिटेन में युद्ध होने वाला था, 25 जून 2021 ब्लैक सी। ठीक साल भर पहले की यही तारीख थी जब शांत समंदर में कुछ ही देर में युद्ध जैसा माहौल बन गया था। रूस की नेवी और वायुसेना के टारगेट पर था ब्रिटेन का एक युद्धपोत जिसका नाम था एचएमएस डिफेंडर। फायरिंग होते ही ब्रिटेन के युद्धपोत ने अपनी दिशा को बदला और फिर शुरू हुई समंदर में रेस।
युद्धपोत पूरी रफ्तार से उल्टी दिशा में भागने लगा। आगे आगे ब्रिटेन का जंगी जहाज, पीछे पीछे रूस की फौज। हुआ यू था कि ब्रिटेन का युद्धपोत ब्लैक सी में कई दिनों से गश्त लगा रहा था। रूस ने अचानक इस वॉरशिप पर तैनात रॉयल नेवी के अफसरों को वापस जाने की चेतावनी दी। ये चेतावनी रूस की नेवी दे रही थी, बावजूद इसके ब्रिटेन का युद्धपोत आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद रूस की फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, रूस ने ब्रिटेन को यहां तक वार्निंग दे दी कि अगली बार उसके किनारे पर नजर आए तो बम बरसाकर समंदर में ही डुबो देंगे। इसलिए यूक्रेन को लेकर भी पुतिन सीधे सीधे धमकी दे चुके हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन मॉस्को के मामलों से दूर रहें। प्रेसिडेंट पुतिन ने नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ ही था, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जिन्हें रूस वर्तमान ही नहीं भूतकाल में भी दगाबाजी का जिम्मेदार मानता रहा है। रूस और ब्रिटेन का झगड़ा आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर से चला आ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर रूस भारी पड़ चुका था, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की अगुवाई में हिटलर ने सोवियत संघ से लिखित शांति समझौता कर लिया। शांति समझौता होने के बाद सोवियत संघ बेफिक्र हो गया, लेकिन 1941 में जर्मनी ने अचानक से रूस पर हमला कर दिया। शांति समझौता होते हुए भी जर्मनी के हमले से रूसी हक्के बक्के रह गए। तब दुनिया के लीडर कहे जाने वाले अमेरिका और ब्रिटेन मुंह बंद कर इधर उधर दुबक गए, ठीक उसी तरह जैसे मौजूदा वक्त में नेटो देश यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। लेकिन रूस 81 साल में भी पश्चिमी देशों की दगाबाजी नहीं भूला है, इसलिए यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस की तारीख के पन्नों से अमेरिका और ब्रिटेन की दगाबाजी की धूल बारूदी धुएं से साफ करना चाहता है।